पेश करते हैं आपके लिए स्पेशली द गोल्ड करोड़ रोशन पान फ्रॉम यामूस पंचायत विच इज इंडिया वेरी फर्स्ट पान पार्लर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यामूस पंचायत जो कि है पूरी दुनिया का पहला इंटरनेशनल पान पार्लर। जी हाँ, वी आर गोइंग इंटरनेशनल, वी हैव गॉन इंटरनेशनल नाउ। तो आज आपको दिखाते हैं मेकिंग ऑफ द गोल्ड फेरेरो रोशर पान, द गोल्ड फेरेरो रोशर पान। लीजिए, ये पान का पत्ता है दोस्तों, और वेरी वेरी नेचुरली सारे लोग जानते हैं। साइंस स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छे से पता है कि हरे रंग के पत्तों के अंदर जो हरा पदार्थ होता है वो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल इज लाइफ। क्लोरोफिल के बगैर पौधा, प्लांट, ट्री सनलाइट लेकर, उसके बिना, सनलाइट और क्लोरोफिल का कॉम्बिनेशन के बिना खाना नहीं बन पाता। सो इट्स प्योर एनर्जी। अब इसके अंदर जो आप ये वेन्स देख रहे हैं, ये बहुत बहुत ही अच्छी होती हैं हमारी हेल्थ के लिए। और ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि पान वाला अकेला है जो चूना पूछ कर लगाता है, और चूना जो होता है वो कैल्शियम होता है, और ये एडिबल कैल्शियम है। एंड दिस एडिबल कैल्शियम इज वेरी गुड फॉर योर बोन्स एंड फॉर योर टीथ। एंड दिस इज कटेचू, दिस इज कॉल्ड कत्था। ये देखिए, पान वाला जो है कत्थे और चूने को पान के पत्ते के ऊपर इस तरीके से पूरा मिक्स करता है, और फिर इसमें थोड़ी सी खुशबू और थोड़ी सी चटनी डलती है। ये जो मिक्सचर है दोस्तों, खुशबू, चटनी, कत्था, चूना, ये एक ऐसा मिक्सचर है, जब ये आप पूरा पान जब बन जाता है और लास्ट में लेकिन जब खाया जाता है, बट ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो पूरा मिक्सचर, ये गले को मॉइस्ट रखता है। अक्सर आपने देखा होगा कवाल जो होते हैं वो पान अपने मुंह में डालकर और फिर कवाली गाते हैं, क्योंकि कवाली एक हाई पिच की सिंगिंग होती है, उसमें गला ड्राई हो जाता है। तो अगर कवाल, एक छोटा सा बीड़ा जिसमें लौंग, इलायची, कत्था, चूना, चटनी, पूरा मॉइस्चर बना के खा के जब रखता है तो उसके गले को वो ड्राई नहीं होने देता। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। कवाल के लिए तो है ही, लेकिन आपके लिए भी है कि आपके गले में ड्राइनेस नहीं होने देगा, और इट्स अ हीलिंग इफेक्ट फॉर द थ्रोट। और अब हम लगाते हैं इसको, थोड़ा सा डेकोरेशन करते हैं। ये चांदी का वरक। भारत अकेला देश है जहां पर गोल्ड और सिल्वर इतना बारीक टूटा जाता है। वी आर सो रिच कि हमारा जो खाना है उसके ऊपर हम चांदी और सोना सजा कर खाते हैं। और ये ड्राई डेट्स हैं। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज ड्राई डेट्स हैव वाइटैलिटी, एनर्जी, फाइबर, और अरब के लोग सारे बहुत सारा खजूर और छुआरा बहुत खाते हैं। ये गुलाब की थोड़ी सी सुपारी। खोपरा इज रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेयर एंड फॉर योर स्किन। आई एम श्योर आपको पता होगा, साउथ इंडियंस जो होते हैं उनकी जो स्किन होती है बड़ी सॉफ्ट होती है, बाल बड़े अच्छे होते हैं, झड़ते कम है। क्यों? क्योंकि उसका राज है खोपरा। और ये एनी सीड्स है। एनी सीड्स अगर आप रोज एक चम्मच खाने के बाद खाते हैं, जो कि हमारे ट्रेडिशन में भी है, एक्ने, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्लीनिंग ऑफ द ब्लड, इज ये इस इंग्रेडिएंट का काम है। और हम थोड़ा सा इसके अंदर एक ऐसा मिक्सचर डालते हैं जिसके अंदर मुलैठी और बहुत सारे हर्ब्स हैं, ये पान के लिए डलता है। अब इसको थोड़ा सा सजाते हैं और अपनी रिचनेस, अपने कल्चर की हम दिखाते हैं कि हम कितने रिच कल्चर के हैं। यू नो वी ईट विद रिचनेस। हमारा कल्चर एक अकेला कल्चर है जो मिठाइयों को सोने के वरक से सजाता है, पान को सोने के वरक और चांदी के वरक से सजाता है। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर ना आइसक्रीम के ऊपर यूरोप में कुछ सोने का वरक लगाया गया था, तो उसमें छोटी छोटी क्वांटिटीज लगाकर उसे वो लग्जरी बोल रहे थे। तो मैं सोच रही थी, अरे हम हिंदुस्तानी तो बहुत जमाने से चांदी का वरक इस्तेमाल करते हैं यार, हमारे जैसी लग्जरी कहाँ। देखिए, ये चांदी के वरक की इलायची है, और ये थोड़ा सा हमने चांदी वरक का ये सौंफ और छुआरा दोनों। मेन इंग्रेडिएंट जो कि है फेरेरो रोशर, आपको मजा आ जाएगा।
इसके अंदर थोड़ा सा ना हम टेस्ट को एनहांस करेंगे अलग अलग फ्लेवर चटनियों से. सो दिस इज द मैंगो चटनी, यू सी इट. ये पान जब मुंह के अंदर खाते हैं ना, ये अलग अलग टेस्ट के बस लाइक इट विल गिव यू लॉट ऑफ डिफरेंट टेस्ट. एंड हियर वी हैव रात की रानी. रात की रानी आपको पता होगा एक बहुत ही सुंदर फ्लावर है जो सिर्फ रात को खिलता है, व्हाइट कलर का. ये उसकी खुशबू का एसेंस है. और ये खस है हमारे पास, खस का शरबत. खस का आपने जरूर जरूर ट्राई किया होगा. और ऑफ कोर्स ये रोज रूह अफजा तो पूरा घर घर का मेंबर है, लेकिन ये रूह अफजा नहीं है, ये रोज फ्लेवर का चटनी हमने बनाई हुई है सैफरन से, चांदी वरक से, सैंडलवुड. ओ दिस इज सो अमेजिंग. दोस्तों आप सोच नहीं सकते, मैं ये पान जो बना रही हूँ इसमें से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है. आई एम सॉरी आप कैमरे पे खुशबू तो नहीं ले सकते और टेस्ट भी, पर आइए यामूस पंचायत पर आकर खाइए, कनॉट प्लेस में. लेकिन अगर आप दिल्ली में नहीं हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि हम अमेजोन पे भी हैं, स्विगी इंस्टा मार्ट पर भी हैं, और हम लोग डॉट पे पर भी हैं. और इंस्टाग्राम का पेज तो हमारा फॉलो करिए, अनु द पान वाली. जी हाँ, उस पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा प्लीज. हाँ, वी नीड मोर पान लवर्स एंड वी नीड मोर अवेयरनेस कि पान को जो एक नुक्कड़ का फेंक दिया गया है ना नुक्कड़ पे कि ये तो पान है खाओ और फूक दो, नहीं, इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी फूड. हम पिज्जा खाते हैं, हम बर्गर खाते हैं, लेकिन हम अपने पान को भूल जाते हैं जो कि हमारी गट के लिए बड़ा अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है. इसका एक एक इंग्रेडिएंट हमारी बॉडी के लिए अच्छा है. आइए मैजिक इंग्रेडिएंट हमारा देखते हैं, गुलुकंद. गुलुकंद बनता है नाजुक रोज की पान की, आई एम सॉरी पान बात आ रहा है मेरे मुंह में, बनता है नाजुक गुलाब की पत्तियों से, सदाबहार गुलाब की पत्तियों से. माय गॉड, गुलाब सोचते सुनते ही सबको रोमांटिक सब समझ आता है. और इस गुलुकंद के अंदर हम लोग डालते हैं काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, खरबूजे का बीज. और जैसे ही ये सब डलता है, क्योंकि रोज के पेटल ऑलरेडी रिच इन फाइबर होते हैं, लेकिन इसमें नट्स डलने से ये और रिच हो जाता है एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ. गर्मियों के अंदर पेट की लाइनिंग को ये ठंडा रखता है, कब्ज नहीं होने देता, इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन लाइक मैजिक. अब इसको करेंगे फोल्ड. पान बनाना और पान को पैक करना, वो दीपिका पादुकोण का डायलॉग था ना, तुम क्या जानो बाबू, इट्स एन आर्ट. डॉन्स इज एन आर्ट, पान इज एन आर्ट. कत्था चूना लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट है. लीजिए अब इसको सजाते हैं लग्जरी से. जी हाँ, सोने के वरक से. सो हियर वी आर सर्चिंग द थिनेस्ट गोल्ड. हमारा देश बहुत बहुत स्पेशलाइज करता है गोल्ड को इतना थिन कूटने में. और आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि अब जितना भी वरक आप देखते हैं मार्केट में या कहीं पर भी, इट इज प्योर वेजिटेरियन, इट इज नॉट बीइंग मेड बाय हैंड. और जो पहले का एक मिसबिलीव होता था कि गाय की खाल के अंदर से फूटा जाता था, ऐसा नहीं है दोस्तों. अब ये टिपिकल प्योर पूरा का पूरा टेक्निकल एंड मैकेनिकल प्रोसीजर है, जिसकी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं. इसीलिए कोई वहम मत करिए चांदी और सोना की गलत तरीके से फूटा गया है, इट्स अ प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट दोस्तों. क्योंकि ये बन रहा है फेरेरो रोशर पान, इसको हम प्रेजेंट करते हैं एक ब्यूटिफुली फेरेरो रोशर के साथ. आइए दोस्तों इसको थोड़ा सा और सजाते हैं और थोड़ा सा और लग्जूरियस बनाते हैं. ये देखिए, ये है सोने के वरक की इलायची. दैट्स हियर इट इज, ये लग गई इस पे सोने के वरक की इलायची और थोड़ा सा केसर. महाराजाओं की तरह खाइए,
लिव लाइफ किंग साइज। पेश करते हैं आपके लिए स्पेशली द गोल्ड करोरो रोशर पान फ्रॉम यामूस पंचायत विच इज इंडिया वेरी फर्स्ट पान पार्लर एंड नाउ इट्स एन इंटरनेशनल पान पार्लर। वी आर इन थाईलैंड। यस सादा तंदूर।